सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दर घटाने का फैसला आज वापस ले लिया है। अब सभी छोटी बचत पर पुरानी यानी 2020-21 की दरें लागू होंगी। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती कर आम लोगों को बड़ा झटका दिया था। सरकार ने बचत खातों, PPF, टर्म डिपॉजिट, RD से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। कहा गया था कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगी। आज सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि 2020-21 की बीती तिमाही में जो दरें थी वही दरें अब लागू होंगी। जो ऑर्डर कल पास किए गए थे उन्हें वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थी, यानी जो दरें मार्च 2021 तक थीं, पहले दिया गया आदेश वापस लिया जाएगा। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि यानी PPF और NSC यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती की थी। यह कटौती 1 अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार PPF पर ब्याज दर 0.7% कम कर 6.4%, जबकि NSC पर 0.9% कम कर 5.9% कर दी गई थी। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती है। ब्याज में सर्वाधिक 1.1% की कटौती 1 साल की मियादी जमा राशि पर की गई थी। इस पर ब्याज 5.5% से कम करके 4.4% करने का फैसला किया गया था। छोटी बचत में ब्याज दर में कटौती करने के फैसले को वापस लेने के सरकार के कदम पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ब्याज दर में कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। चुनाव के डर से मोदी शाह निर्मला सरकार ने अपना गरीब व आम आदमी की छोटी बचत की ब्याज दर का निर्णय बदल दिया। धन्यवाद। लेकिन निर्मला जी, यह वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद भी आप फिर से ब्याज दर नहीं घटाएंगी। कल जब वित्त मंत्रालय ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि मोदी शाह भाजपा शासनकाल में मजदूरों और सेवारत कर्मियों पर ही गाज गिरती है। उनकी गाढ़ी कमाई की जमा राशि पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।